हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट जैक। नया दिन, नई शुरुआत, नई लोकेशन, सेक्टर 43, गोल्फ कोर्स रोड के ठीक पास में, प्रॉपर पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी, साइज 270 स्क्वायर यार्ड, प्रॉपर पार्क फेसिंग, टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन, टॉप नॉच एलिवेशन, बहुत ही प्यारा वुडन का काम है, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग है और किचन हो गया, वार्डरोब्स होगी, आपको वैल्यू फॉर मनी आपको अपने आप नज़र आ जाएगा। रीज़न क्या है कि इस लोकेशन की खासियत, गोल्फ कोर्स 100 मीटर पे ही होगा, आधा किलोमीटर पे गोल्फ क्लब है, सामने आपको मैं दिखा दूंगा, लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, आप एक तरह का आपको DLF की MS नज़र आएगी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग करी हुई है। मंगोलियाज, रालियाज आपके सामने हैं, पूरा आप देखें, पूरा आप देख सकते हैं, और ये आपकी गोल्फ कोर्स रोड है, आप देखें, और ये आपका बहुत ही प्यारा पार्क, मेंटेन्ड पार्क है, और 3 बेडरूम ड्रेसर्स के साथ है, और स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी है, और वुडन का तो काम लाजवाब है, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग है, किचन काफ़ी बढ़िया है, टॉप नॉच क्वालिटी है, और फ्रंट की एलिवेशन एक नंबर, जो मतलब कि साउथ दिल्ली DLF टच में बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करी हुई है। प्राइस भी इसमें सिर्फ एक ही फ्लोर अवेलेबल है, टॉप से नीचे वाला 3rd फ्लोर अवेलेबल है। इस तरीके की प्रीमियम फील लेने का मन हो तो आप, ये प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, तो बने रहिए। इस तरीके से ये प्रॉपर पार्क है, पूरा मेंटेन पार्क, जैसे प्रॉपर्टी है, काफ़ी प्रीमियम फिनिशिंग में है, पार्किंग का स्पेस, इसमें 3 फ्लोर सोल्ड आउट हैं, काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, 1, 2, 3 तीनों गेट आपके सामने नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने अंदर की तरफ इलेक्ट्रिकल पैनल किया हुआ है, वॉल के अंदर है, पिलरलेस पार्किंग, काफ़ी बढ़िया फ्लोर है, और यहाँ पे इन्होंने मेन एंट्री दे रखी है, इस तरीके से, इस तरीके से इसकी मेन एंट्री है, यहाँ पे डोर दिया हुआ है, वुडन का डोर है, इसमें ग्लास है, सामने अंदर किसी को आना हो तो वो रात को लॉक हो जाता है, और ये शिंडलर की लिफ्ट है, अभी हम ऊपर चलते हैं यहाँ से, और कुछ इस तरीके से होटल में इटालियन सारा लगा हुआ है। ये जो एंट्री है, इस घर की 2 एंट्रीज हैं, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, तो ये वाली जो एंट्री है, ये मेन एंट्री ड्राइंग रूम में ओपन होती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और ये सेकंड एंट्री है जो मेन घर वालों के लिए एंट्री ओपन होती है। इस तरीके से काफ़ी बढ़िया प्रीमियम मैट फिनिशिंग का डोर है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी डिसेंट फिनिशिंग लग रही है इसकी, काफ़ी बड़ी बादाम लगी हुई है, काफ़ी वाइड, और इस तरीके से इन्होंने आप देखें तो टेक्सचर्ड करा रखा है स्टेयर्स में सारा, और ये प्रॉपर स्टेयर्स हैं, तो अब हम एंटर करते हैं, काफ़ी प्रीमियम इटालियन आप देख सकते हैं। ये जो पार्ट है आपका डाइनिंग का और लॉबी का पार्ट है, ठीक है जी, यहाँ पे आप पूजा का स्पेस बना सकते हैं, स्पेस दिया हुआ है, अगर पूजा नहीं तो कुछ और स्टडी वाला टाइप कुछ बना सकते हैं, यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, और पूरे घर में ACs आपको मिल रहे हैं, ये प्रॉपर एज इट इज़ फ्लोर है, ठीक है जी। इसकी अगर मैं लेआउट की बात करूं तो यहां से हमने मेन एंट्री की है, और मेन एंट्री करते ही आपके पास लॉबी और डाइनिंग का स्पेस मिलता है, पूजा रूम सामने, ये जो सामने देख रहे हैं ये आपका ड्राइंग रूम है, किचन, 4th बेडरूम, ये आप कुछ लॉन्च टाइप बना सकते हैं, कुछ बैठक हो सकती है, कॉमन वॉशरूम है, उसके बाद 2nd बेडरूम, 3rd बेडरूम, तो ये सारे बेडरूम्स अटैच वॉशरूम के साथ हैं, और ये कॉमन वॉशरूम आपको एक एक्स्ट्रा मिलता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, मैं आपको घर दिखाता हूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ से हमने एंट्री करी, एंट्री करते ही अब हम इसके
किचन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो स्पेस है ये आपका पूजा का स्पेस है, हम बिल्डर से बात कर सकते हैं इसको अगर डिज़ाइन करना चाहें तो। और ये आपका बहुत ही प्रीमियम फिनिशिंग का किचन, और ये प्रॉपर एक्रेलिक शीट्स हैं, आप इसके अंदर कोई लेयर्स नहीं है, लैमिनेट्स में लेयर्स हो जाती हैं, काफ़ी प्रीमियम काम है। ओ किचन में भी इन्होंने टाइकन का एसी प्रोवाइड किया हुआ है, और ये आपका रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, और जो टाइल्स हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, इस कंसेप्ट के साथ मर्ज हो रही हैं, और फैबर की चिमनी, फैबर का फोर बर्नर हॉब, ग्लॉसी टाइल्स लगानी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि ऑयल की वजह से क्लीन करने में आसानी रहती है, तो इन्होंने पूरा हाई ग्लॉसी में किचन रखा हुआ है। टॉप तक स्टोरेज है, इसकी चिमनी का स्पेस भी पीछे से निकल रहा होगा, तो ये बेस्ट पार्ट है। आप दिखा सकते हैं हम यहाँ से किस तरीके से दिया होगा, ये देखो उन्होंने ओवरहेड उसको पीछे से दिया हुआ है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। ब्लश की किचन है और उसी के सॉफ्ट क्लोजर्स हैं, ठीक है। इसमें टॉल यूनिट मुझे नज़र नहीं आ रही, बट फिर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये वुडन का डोर काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मर्ज हो रहा है, और ये आपकी बाहर वेंटिलेशन के लिए डोर काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आप लेडीज़ अगर थक जाएं और थोड़ा सा थकावट से बाहर पार्क का व्यू लेना चाहें तो ये उन लोगों के लिए। अब देखें काफ़ी बढ़िया पार्क हैं, और मंगोलियाज, कमीलियाज, हरालियाज ठीक आपके सामने हैं। ये प्रॉपर गोल्फ कोर्स रोड है, मेट्रो स्टेशन पास में ही है, सेक्टर 42 का स्टेशन ठीक वॉक इन पे है, तो एक और बेनिफिट है। अब ये दूसरे बेडरूम की जो प्राइवेसी है वो यहाँ से देखो, ये प्राइवेट बालकनी है, ये वाली बालकनी जो है, इस वाली बालकनी को सिर्फ दो तरफ से एक्सेस मिलता है, एक ड्राइंग रूम की तरफ से और एक किचन की तरफ से, और ये बेडरूम वाली बालकनी बिल्कुल सेपरेट है। और बाहर के प्लांटर्स के लिए यहाँ पर टैप दी गई है, और ये भी स्टोरेज एक अलग से दे रखी है। तो बालकनी अगर दिखाऊँ तो काफ़ी वाइड है बालकनी, ग्रेनाइट लगा हुआ है, काफ़ी प्रीमियम काम किया हुआ है। यहाँ पे हाथ रखने के लिए भी ग्रेनाइट है, और यहाँ पे हाथ रखने के लिए इटालियन है, तो ये आयरन के ऊपर, आयरन फ्रेम के ऊपर इन्होंने इटालियन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये पूरे घर में इटालियन और सिर्फ एक बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग है। यहाँ से हम इसके ड्राइंग रूम की तरफ आ रहे हैं, इस तरीके से आपका ड्राइंग रूम है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। शैंडलियर दो दिए हुए हैं, डिज़ाइनर फैन है, काफ़ी एलिगेंट फिनिशिंग है, सॉफ्ट टच में है, काफ़ी सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आने वाली है। और ये आपका प्रॉपर प्लेसमेंट आप कर सकते हैं, मेन डोर है जो मैं आपको दूसरा बता रहा था, आप इधर से भी अपने गेस्ट को एंट्री दे सकते हैं। तो ये एंट्री किस बात के लिए, अगर आपने यहाँ पे कर्टन लगा दिए, कोई आप प्राइवेसी देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पूरा घर प्राइवेसी में रहेगा। और ये चीज़ भी एक अच्छा दिमाग लगाया बिल्डर ने, डायकन का एसी 1.5 टन का, यहाँ पे अगर आप डोर लगाना चाहते हैं तो प्रोविज़न दिया हुआ है इन्होंने, अभी इसमें लगा नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपका सेंट्रल पार्ट घर का, और ये डायकन का एसी। अब हम इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ जा रहे हैं, वाओ ये भी इटालियन काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये इसकी साथ प्राइवेट बालकनी, बहुत ही बढ़िया एलिगेंट वॉलपेपर, अच्छा लग रहा है, नहीं तो काफ़ी साइड्स में मुझे नहीं पसंद चलता है, बहुत टैकी से कर देते हैं। ये आपका वुडन फॉल सीलिंग के अंदर, बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग की हुई है, आपको बालकनी से जो व्यू है ना, एक्सीलेंट है यार। इन्होंने दो जो वार्डरोब्स आमने सामने दिए हैं, तो फोर सेक्शन वार्डरोब्स हो गई, और इसमें मिरर भी दे दिया, ठीक है जी। तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर दिया बिल्डर ने, काफ़ी बढ़िया काम कर दिया। और इस तरीके से वार्डरोब्स हैं, और दो सेक्शन वार्डरोब्स के इस तरफ है, तो स्पेशियस है। ये आपका वॉशरूम, काफ़ी बढ़िया टाइल्स हैं, अगर आप देखें तो ग्रे और डार्क ग्रे कलर के
कॉम्बिनेशन में, काफ़ी ग्लॉसी फिनिशिंग में, और ये टाइल है सिल्वर कलर की, तो हाईलाइट की हुई है बिल्डिंग, और ये क्यू का काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है क्यू, बहुत ही प्रीमियम फिटिंग्स है, सारी फिटिंग्स बहुत प्रीमियम है। 500 होटल का जो वॉशरूम होता है ना, सेम उसी लेवल का वॉशरूम है, काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है, एलईडी लाइट्स वाला इसका ग्लास, मज़ा आ गया, अच्छा काम किया हुआ है। अगेन नाइस हैवेल्स का लेटेस्ट वर्जन है ये, अच्छा लग रहा है। तो ये ग्लास पार्टीशन पूरा किया हुआ जी, देखें ये पूरा ग्लास पार्टीशन है, बिल्डर ने कहीं पर भी कंजूसी नहीं की, तो आस्किंग थोड़ी सी ऊपर है तो वो इसलिए है। अब मैंने हाफ द वे आपको दिखा दिया है, ये एरिया स्टडी बना सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा बच्चों का स्टडी बन सकता है, पार्टीशन देके वो एक अलग काम हो सकता है। ये पाउडर रूम है, पाउडर का स्पेस, बढ़िया स्पेस निकाला हुआ है आपके गेस्ट के लिए, और लाइट एलईडी लाइट्स, बढ़िया काम किया हुआ है। अब मैं आपको इसके सेकंड बेडरूम में लेके चल रहा हूँ, ये आपकी प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग है, ये आपकी बेड की, ये बेड की बैक है, ये आपका एसी, ये आपका एलसीडी पैनल का स्पेस, काफ़ी बढ़िया वुडन का डोर है, इसकी थिकनेस देखें काफ़ी वाइड है, काफ़ी थिक है ये, और मैट फिनिशिंग, ड्रेसर अलग से दिया हुआ है। वाव यार, 1, 2, 3, 4 फोर सेक्शन वॉर्डरोब, भाई साहब बहुत ही प्यारा लेआउट निकाला है, देखें तो फोर सेक्शन वॉर्डरोब्स होने के बाद, और ये, अरे भाई साहब मैं हमेशा मिस करता हूँ ये चीज़ बाकी हर जगह में, यहाँ पे बिल्डर ने पूरे दिमाग से ये ग्लास बहुत ही प्यारा, इसी तरीके के जो बिल्डर भाई लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं यार, इस तरीके का ग्लास अगर आपके पास ड्रेसर होना खुद दे दिया करो, क्योंकि आपकी देने की इच्छा से क्लाइंट को समझ आती है कि आपने पैसे खर्च करेंगे, कहीं कंजूसी नहीं की होगी, बहुत ही बढ़िया काम किया यार। वाह यार, वॉशरूम भी काफ़ी बढ़िया है, क्रीम कलर की टाइल्स, सूदिंग कलर्स, ठीक है, बड़ी प्यारी क्यू की फिटिंग्स, प्रीमियम टच में, बहुत ही महंगा ब्रांड है ये, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही एलिगेंट फिनिशिंग है, वॉशरूम्स भी तो एक नंबर है यार, बहुत ही प्यारा काम किया हुआ यार। श्नाइडर के स्विचेस हैं यार, मैं बहुत देर से देख रहा था कि कहाँ नाम लिखा है, बहुत छोटी सी ब्रांडिंग की है बट नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारा। अच्छा, गोदरेज का ऑडियो वीडियो भी डोर सेट दिया हुआ है इन्होंने, और अच्छा काम किया हुआ है, अगेन प्रीमियम इटालियन फिनिशिंग की जो फ्लोरिंग की जो चमक है ना, वो भी आपको नज़र आ रही है, देखो कितना प्यारा काम किया हुआ है, अगेन काफ़ी बढ़िया फॉल सीलिंग, बेड की अगेन बैक सेम, पीछे की तरफ इसका ड्रेसर होगा, ये आपके सामने एलसीडी पैनल का स्पेस, टफ एंड ग्लास दिया हुआ है, इस तरीके से इसकी बालकनी है, सारी यूनिट्स आपके बैक साइड पे नज़र आ रही हैं, और हैवेल्स के गीजर्स ये सामने आपके, आपके सामने बहुत ही प्यारी फिनिशिंग, और ये प्रीमियम टच में ग्रेनाइट, और ये इस तरीके से आपका डिज़ाइनर फैन हैवेल्स के, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के, अगेन फोर सेक्शन वार्डरोब जो लास्ट रूम में दिखाई थी उसी तरीके के, बट कलरिंग चेंज है, और वहाँ पे वुडन था और यहाँ पे इटालियन है, तो घर में अगर दोनों की चॉइसेस अलग होंगी तो यहाँ पे कोई भी अपना अपना एक रूम दे सकता है, और ये अगेन मिरर काफ़ी बढ़िया अच्छा लगता हुआ, और ये भी काफ़ी बढ़िया वॉशरूम है, देखें काम बहुत अच्छा किया बिल्डर ने, बहुत अच्छा काम किया, क्यों शॉवर्स वगैरह छोटी चीज़ें के लिए रखने के लिए। अब ये जो फिटिंग है, ये जो टाइल्स हैं, ये मैट फिनिशिंग में है, काफ़ी बढ़िया लगा यार, वॉशरूम बहुत ही प्यारे हैं, किचन बहुत प्यारा है, बेडरूम बहुत प्यारे हैं, तो तारीफ
अपने आप निकल रही है फिनिशिंग देख के, और ऐसा लग रहा है कि ये सैम्पल फ्लैट है। मैंने किसी बिल्डर के यहाँ पे सैम्पल फ्लैट देख रहा हूँ, ग्रेनाइट का टॉप, बढ़िया काम किया यार। हाँ जी, वेलकम बैक। जैसे ही मैंने घर देखा तो एक अंदर से एनर्जी आई है, मज़ा आ गया। फ्लोर एक नंबर है, 260-270 वाले जो साइजिंग में है ना, ऐसा फ्लोर बहुत कम मिलता है। आज मेरा दिल खुश हो गया, टीम को 100 out of 100, मज़ा आ गया। तो घर बहुत बढ़िया है, फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है, लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, गोल्फ कोर्स रोड पास में है, मेट्रो स्टेशन सेक्टर 42 का वॉक इन पे है, और स्कूल्स हॉस्पिटल आस पास हैं, सारी एमिनिटीज हैं, DLF की पूरी आपको ना बेल्ट नज़र आ रही है, गोल्फ कोर्स आपके सामने है, बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है। तो और ऊपर से पार्क फेसिंग, तो ये चीज़ बहुत रेयर मिलती है। आपको सारी चीज़ें इस घर में नज़र आ रही हैं, डुअल एंट्री मिल रही है, प्राइवेसी पूरी है, बेडरूम के साइज काफ़ी बढ़िया है, फिनिशिंग काफ़ी टॉप नोच है, काम काफ़ी दिल से किया हुआ है, एक एक चीज़ पे बिल्डर ने फोकस किया हुआ है। एसी तक बिल्डर दे रहा है, आपको मिरर्स तक बिल्डर दे रहा है, बहुत कम होता है, ग्लास पार्टीशन भी दे रही है, बढ़िया सी UPVC फिटिंग्स दे दी, मैश डोर दे दिए, डिज़ाइनर फैन दे दिए, बहुत ही प्यारा। और पीछे की और आगे की बालकनी काफ़ी वाइड है, और क्या ही बोलूँ, पार्किंग दो गाड़ियों की कार पार्किंग आपके पास नीचे है, और काम काफ़ी बढ़िया है, फ्रंट के एलिवेशन काफ़ी बढ़िया है। तो ये घर एक ही फ्लोर अवेलेबल है टॉप से नीचे, अगर किसी के बजट में बनता है, किसी ने पसंद करना है तो मुझे कॉल करें। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, जाने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। ऐसी वीडियोज़ में आपको लाता